हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं टू प्ले गरबा। रानी मुखर्जी भी थी। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं विला। ओ यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं आज सुबह सुबह। गाइस अभी हम सब लोग नीचे ग्राउंड पे बैठे हैं। ये यहाँ से आया है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि इसने तो पहले डाला था दुबई का व्लॉग, लेकिन ये यहाँ पर कहाँ पर है। सो बेसिकली हम लोग दुबई से दिल्ली आ चुके थे और अब हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं टू प्ले गरबा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है गरबा खेलने का। वैसे हम लोग गए थे लास्ट ईयर दिल्ली में गरबा खेलने, लेकिन यहाँ पर गरबा ऐसे वाला था जैसे ना भंगड़ा सबका बाहर आ रहा था। So we paid extra to have a window seat and this is the window that I got, like itna sa kya dekhu main yahan se, padosiyon ki khidkiyon se jhaank rahi hu main। Dekhiye sajjano namaskar, namaste। Baadha dal sakte hain, kripya apne mobile phones aur anya electronic upkaran flight mode ya switch off mode par rakhiye। Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Devi aur sajjano aap please zara is par dhyan dijiye। याद है आप जब प्लेन में सफर करते हैं तो हमेशा आपको सेलफोन बंद करने को कहा जाता है। आप कहते हैं कि भाड़ में जाए, प्लेन का फोन से क्या लेना देना, मैं बंद नहीं करूंगा। देखा, फोन बंद ना करने का नतीजा सेलफोन का सिग्नल सैटेलाइट के इर्द गिर्द उछलता रहता है और फिर धड़ाम। तो मेहरबानी करके फोन बंद कीजिए। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोग चले गए हल्दीराम कुछ खाने के लिए। एंड मैंने अपने लिए मसाला डोसा ऑर्डर करा। ट्विंकल ने कहा मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बट धीरे धीरे करके वो मेरा पूरा डोसा खाने लगी। यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है कि कौन क्या पहनने वाला है। हम सब ने सारे कपड़े ऐसे ऊपर रख दिए, जिसको जो समझ आएगा वो पहनेगा, मिक्स मैच करके। क्या हुआ? सो वी गॉट रेडी एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। मैंने कोका भी पहना है और ये मैंने सारे कोके से हेयर स्टाइल बनाया। अब मैं आपको वहां जाके पूरी अपनी आउटफिट दिखाऊंगा। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं विला। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं विले पैलेस से जेबीपीडी ग्राउंड गरबा खेलने के लिए। और रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, हम लोग इतनी देर से ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं क्योंकि इतने सारे लोग बाहर जा रहे हैं। इतने सारे लोगों ने चनिया चोली पहन रखा है और इतनी प्यारी प्यारी कलरफुल ड्रेसेस पहन रखी है जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि कलर्स देख कर वैसे ही दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो अभी हम वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा क्राउड है बाहर। This is love। हम सिंगल है इसलिए हम नीचे बैठे हैं, बाकी आस पास सब कपल वाला गरबा खेल रहे हैं। नाइट आउट करा पुते तो मुझे तेरे बात से पुते तो बोलने की आदत हो गई है।
मैं अपने ब्लॉग्स में भी बोलने लग रही हूँ तो ये यहाँ से आया है, ओरिजिनलिटी यहाँ की है, पर पोटैटोस आर क्यूट वेरी मच, सो आर वी। The next morning. Good morning, beautiful people. Here is our Jiru and we are enjoying match. Who is your favorite? So it's our second day today और आज भी हम लोग JVPD ही जाने वाले हैं गरबा खेलने के लिए। और मैंने दोनों दिन शूज पहनकर ही गरबा खेला है। वैसे यहाँ पर बाहर थोड़ी कम कार्स हैं जो पार्क्ड है, कल बहुत सारी थी तो होपफुली शायद काश अंदर लोग थोड़े कम हो क्योंकि ना स्पेस नहीं मिलता। सो लेट्स गो, अंदर स्टार्ट हो गया है, हम लोग बाहर हैं, जल्दी से आगे चलना होगा, जल्दी 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 जल्दी। कौर पवनप्रीत कौर, सभी लोग तैयार हो जाएं, राउंड 1 ऑफ डे 8। Salim ji got to please take the stage over. हम लोग गरबा ग्राउंड से 11:30 ही बाहर आ गए थे, वैसे 12 o'clock ओवर होता है लेकिन हम 11:30 इसलिए आ गए क्योंकि फिर एकदम से 12 बजे सब लोग बाहर की तरफ जाते हैं। और आज इतना ज़्यादा मज़ा आया, आज हम लोगों को इतनी सारी जगह मिली, आज हम लोगों का ग्रुप भी बहुत अच्छा बना, आज हम लोगों ने इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ डांस किया, आज मज़ा आ गया मतलब सच में। और पहले ना मैं एक अलग आउटफिट पहनने वाली थी बट लकीली मैंने वो नहीं पहना क्योंकि वो बहुत सिंपल था, अच्छा हुआ मैंने ये पहना क्योंकि लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि जसप्रीत यू वोंट गेट दिस चांस अगेन अगर तू दिल्ली चली गई तो। The next morning. Day 3, another day, another slay. और यहाँ पर हम लोगों ने मुंबई में इतने ज्यादा कोके पहने हैं ना, ये मैंने दिल्ली में कभी नहीं पहने और ये मैंने कितने टाइम से रखा हुआ था और यहाँ पर आके मैंने हर एक दिन पहना है और ये मुझे काफी कूल लग रहा है, ये मैं दिल्ली में जाकर भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पंडाल और ये जो दुर्गा पंडाल है ये मेनली रानी मुखर्जी की जो टीम है वो ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं। आज सुबह सुबह यहाँ पर रोहित सराफ, मैं शराफ बोल देती हूँ पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने तेरी तरह देखा कि तू बोल दे, रोहित सराफ आया हुआ था, कियारा अडवाणी भी आई थी। हाँ तो यहाँ सो यस वहाँ पर दर्शन करते हैं माता रानी के और आपको दिखाते हैं। तमे कुमकुम पगलिया पड़ो मोरी माँ, तमे कुमकुम पगलिया पड़ो मोरी माँ।
रानी मुखर्जी दुर्गा पूजा पंडाल भी बोलते हैं, क्योंकि ये रानी मुखर्जी की टीम ही पूरा ऑर्गेनाइज करती है। और अंदर रानी मुखर्जी भी थी, शी वॉज वेयरिंग अ ग्रे साड़ी एंड शी वॉज लुकिंग सो ग्रेसफुल। क्योंकि हम लोग जुहू में ही थे तो हम लोगों ने सोचा कि जुहू बीच भी एक बारी हो आते हैं, और यहाँ पर भी बीच पर भी पंडाल बनाया हुआ है। और अभी हम लोग यहाँ पर स्ट्रीट फूड खाने आए हैं, होपफुली गोला खाएंगे यहाँ का, क्योंकि अभी दिल्ली में तो ठंड शुरू हो गई है तो वहाँ पर तो गोला खा ही नहीं सकते। And we are going back. Look at her and look at me. Back to work. और यहाँ पर पता क्या चल रहा है, यहाँ पे फॉग चल रही है। मजा आ गया, आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। वी आर बैक गाइज, और पता भी नहीं चल रहा हम लोग वीकेंड में मुंबई से होके भी आ गए, गरबा खेल के भी आ गए, काम भी कर लिया थोड़ा बहुत, और अब घर भी आ गए, और फिर अब कल से फिर काम पे लगना है। बस ये सब चलता रहता है। और पता है आज से ही काम पे लगना है। स्टॉर्मी ने पहचान लिया कोई आया। उम्मीद लग रही है यहाँ से बाहर निकलने की, बिकॉज यू नो आई एम अ बॉडी बिल्डर। इसमें बैठ भी नहीं मिल रहा। गुड गर्ल।